अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। लीजिए, अब मैं ऐसे गीतकार को बुला रहा हूँ जो आपसी संबंधों पर, बेटी पर, माँ पर कविताएँ लिखते हैं, गीत लिखते हैं, और आपका लगेगा कि पूरे गांव की, अंचल की मिट्टी उनके गीतों में छूती है उन गीतों को। भाई रमेश शर्मा चित्तौड़ से हमारे बीच पधारे हैं, आप उनका स्वागत करें। अधिकांश लोग पहली बार उनको सुन रहे होंगे। हाँ, पूजनीय संतों को प्रणाम करता हूँ, और समय की सीमा है जिस तरह मैं दो गीत आपके सामने, एक गीत के माध्यम से मैं आपको गांवों की ओर, अभी भाई संपत जी ने गांवों का वर्णन किया, अब मैं गांव का एक दूसरा चेहरा भी आपको दिखाऊंगा। एक बिटिया का गीत, जैसा कि आदरणीय स्वागत जी ने कहा, मैं पहले आपको एक गांव का गीत सुनाता हूँ। उसकी गीत की भूमिका में आप देखें कि गीत की नायिका लड़की महानगर की रहने वाली है, लड़का एक छोटे से गाँव का रहने वाला है। वो उसे कहता है कि मेरे गांव चल, मेरा गांव तेरे शहर से अच्छा है। वो आना नहीं चाहती, वो उसे मनाता है। वो जो मनाता है वो गीत है, वो तर्क जो देता है वो उन तर्कों का गीत। देखें आप वो किस तरह मना रहा है, देखें आप। इको नहीं डालना बिल्कुल भी, प्लेन। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल, बरसात के बहाने समझाता है वो उसे। आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली। आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली। दौड़ के तूने बड़े चाव से रखा था जो छत पर, दिन भर झूम के बरसा फिर भी तेरा बर्तन खाली। मेरा सीढ़ीदार कुआं, मेरा सीढ़ीदार कुआं, वहाँ आके मुँह तक भरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल। शहरों की हरियाली और गांव की हरियाली देखें। ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। तेरी नरम मुलायम मिट्टी हो न सकी उपजाऊ, गांव के मंदिर पीपल फूटा छेद दीवार की छाती। जा बंधती है मेरी गाय, जहां बंधती है मेरी गाय, वो फूठ तक भी हरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। गांव की लड़कियां, मेरे गांव की लड़कियां प्रेम किस तरह करती है वो बताता है। पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। गांव की लड़कियां, पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। तू है ढूंढती प्रेम वेदना वैलेंटाइन डे में, वो है मानती फाग रंग को अपनी प्रेम बपोती। उनके विश्वास का सोना, वाह 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 वाह, उनके विश्वास का सोना चल देख कितना खरा है। प्रिय
गांव मेरे तू चल। शहरों में सुंदरता को सिद्ध करने के लिए, सौंदर्य को सिद्ध करने के लिए सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन मेरे गांव की खूबसूरती कैसी है। शहरों की सौंदर्य प्रतियोगिता का दृश्य ध्यान में रखते हुए आप इन पंक्तियों को देखें। लज्जा जिसकी जितनी ज्यादा ताकि झांकी जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज्यादा अंकों आकी जाए। क्या बात है, सौंदर्य प्रतियोगिता। वाह। लज्जा जिसकी जितनी ज्यादा ताकि झांकी जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज्यादा अंकों आकी जाए। लिपे पुते मुखड़ों पे लिपे नकली वो मुस्काने, चाल का असली ठुमका भूली आकी बाकी जाए। मेरे गांव में कंडे बीनती, मेरे गांव में कंडे बीनती, एक सांवली अप्सरा है प्रिय। गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। गांव की बीमारियां भी किस मजाक से चली जाती है आप देखें। गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग गोरी कैसा तुझको मुझे समझ ना आए। गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग गोरी कैसा तुझको मुझे समझ ना आए। नाचे चीखे कूदे कांपे लगे भले ही भद्दे, भूत बावजी चिमटा पीटे रोग हिरण हो जाए। तुझे सुख में भी नहीं चैन, क्या तुझे सुख में भी नहीं चैन, वहाँ दर्द भी मसखरा है प्रिय। गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें, इसमें शर्करा शब्द का प्रयोग किया है मैंने, डायबिटीज से मतलब है मेरा। गीत की अंतिम पंक्तियां, दादी का तू नुस्खा ले ले व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फाक बबूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी। दादी का तू नुस्खा ले ले व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फाक बबूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी। बैठ बिठाए शहर में तेरे कब्ज अपच बेचैनी, थकन घुटन सर दर्द आफरा रक्त चाप में तेजी। वहाँ नेह में है घुली, वहाँ नेह में है घुली, यहाँ देह में शर्करा है प्रिय। गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है प्रिय। गांव मेरे तू चल। वाह वाह, लड़की बेटी। मैं अब इस क्रम में एक बिटिया का गीत सुनाकर आपसे विदा चाहूँगा। हमारे परिवारों की एक घटना कि जब हमारी बेटियों का रिश्ता तय हो जाता है, उसका संबंध तय हो जाता है, तो होता अक्सर ये है कि शादी में कभी 6 महीने बाकी रहते हैं, कभी 8 महीने बाकी रहते हैं, लेकिन इस बीच के समय में परिवार के लोगों का व्यवहार बिटिया के साथ बदल जाता है। बिटिया असहज हो जाती, उसे लगता है कि सारे लोग अभी से क्यों बदल गए, अभी तो मुझे जाने में वक्त है। तो क्या बात है, क्या बढ़िया पंक्ति, वाह वाह वाह। तो वो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा पूरे तन्मयता से सुने गीत को, कान से नहीं मन से भी सुना जाता है इस बेहतरीन गीत के लिए। और कहीं पंखे तो बंद हो नहीं सकते क्योंकि काफी गर्मी है यहाँ पर। चुनो, मैं गीत शुरू करता हूँ। बिटिया, आप ये वातावरण ध्यान में रखें कि बिटिया की सगाई हो चुकी है, संबंध तय हो चुका है, 6-8 महीने शादी में बाकी हैं, परिवार के लोग बदल गए हैं। वो अपनी माँ से शिकायत कर रही है कि मुझे जाने में समय है, आप लोग अभी से क्यों बदल गए। देखें वो अपनी माँ से क्या कर रही है कि परिवार के लोग किस किस तरह बदल गए। साजी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते, कच्ची पक
की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते। डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। पंक्तियों को फिर देखिए, साजी धूप मुझसे रखते मुझको भी जलने देते, कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते। डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ू में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसकी शिकायत देखें, वो ही देहरी द्वार खिड़कियां तू बदली ना बदली मैं, वो ही देहरी द्वार खिड़कियां तू बदली ना बदली मैं, दिन भर उथल पुथल घर करती तेरी बिटिया पगली मैं, लाड़ चाहती थी मैं कल तक आज लाड़ को सहती हूँ, लाड़ चाहती थी मैं कल तक आज लाड़ को सहती हूँ, अपने आंगन के अपनों में मेहमानों सी रहती। बढ़िया बात है भाई बाबा। अपने आंगन के अपनों में मेहमानों सी रहती हूँ, आते आते कल आएगा आज फिसल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसका छोटा भाई किस तरह बदला, वो अपने छोटे भाई की शिकायत अपनी माँ से कर रही है कि छोटा भाई पहले कैसा था और इस संबंध होने के बाद कैसा हो गया। छोटे भाई की शिकायत देखें, छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था, छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था, रक्षाबंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था, छोटू का बाद 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 तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था, रक्षा बंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था, मेरे हाथों कल उसका मिट्टी का गुल्लक टूट गया, मेरे हाथों कल उसका मिट्टी का गुल्लक टूट गया, मैं डरती बोली के जाने कैसे हाथ से छूट गया, खूब झगड़ना था उसको चुपचाप निकल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, भरपूर ताली बजाए अभी वाँ से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसकी दादी भी बदली, वो अपने दादी के बदलने की शिकायत करती है कि दादी पहले कैसी थी अब कैसी हो गई हैं। मेरे हंसने और गाने पर चिढ़ कर कहती थी दादी, मेरे हंसने और गाने पर चिढ़ कर कहती थी दादी, ऊँट सरीखी हुई है फिर भी अकल अभी तक है आधी, मेरे हंसने और
गाने पर चिढ़ कर कहती थी दादी, ऊंट सरी की हुई है फिर भी अक्ल अभी तक है आधी। हुआ उसे क्या अब तो मुझको बिटिया बिटिया कहती है, हुआ उसे क्या अब तो मुझको बिटिया रानी कहती है। लाड़ लड़ाती हंसती है पर आंखें भीगी रहती है, धागा जलना है बाकी पर मोम पिघल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। गीत की अंतिम पंक्तियाँ वो अपने पापा के बदलने की शिकायत करती कि पापा पहले कैसे थे और पापा अब कैसे हो गए। गीत की अंतिम पंक्तियाँ और मुझे विदा करें आप। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे, पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे, मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन नहीं लाते थे। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे, मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन नहीं लाते थे। अनचाहे बिन मांगी चीजें अब तो घर में आती है, अनचाहे बिन मांगी चीज जे अब तो घर में आती है। लेकिन भैया की फरमाइश पापा से छुप जाती है, भैया को साइकिल दिलवाना फिर से टल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। वाह 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 वाह, भरपूर तालियों से स्वागत कर, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।